हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चैनल। दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से तैयार हो जाइए क्वेश्चन सीरीज टेस्ट लगाने के लिए, जिसमें से दोस्तों यह 665 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें से यह पार्ट बाय पार्ट में पूरा हो रहा है। यह 13वां पार्ट है और 2-3 दिन के अंदर मैं इस सभी पार्ट को पूरा कर दूंगी। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकल वीडियो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक प्रकार के क्वेश्चन आंसर एंड थ्योरेटिकल वीडियो अवेलेबल है सिलेबस के अकॉर्डिंग और चैप्टर वाइज। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में वसा किसमें संग्रहित रहता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है चर्बी में, मांसपेशियों में, प्लीहा में, हड्डियों में। तो मांसपेशियों में तो ग्लाइकोजन एकत्रित रहता है, जबकि जो वसा होता है, फैट होता है, वो हमारे जो त्वचा होता है, दो त्वचा की दो परत होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं त्वचा के, और निचली परत को डर्मिस। तो हमारे निचली परत, त्वचा के निचली परत डर्मिस के नीचे एडिपोज टिश्यू होता है, उसी में वसा संग्रहित रहता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो चर्बी में यानी कि एडिपोज टिश्यू में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? जैसे कि दोस्तों, खट्टे पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि मुख्य स्रोत आंवला होता है, बट यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन। यहाँ पे दाल दिया है, दूध दिया है, घी नहीं है। दाल जो होता है प्रोटीन का स्रोत है, दूध भी प्रोटीन का स्रोत है, घी आपका वसा का स्रोत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा, कच्चे व ताजे फल में विटामिन सी मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय गति अचानक बंद हो जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? दोस्तों, हृदय गति अचानक बंद हो जाने पर आपको सबसे पहले कार्डियक मसाज देना चाहिए। एक ऐसे दिया जाता है कि बाएं हृदय की तरफ रखकर, अपने छाती पर बाएं तरफ रखकर, एक हाथ रखकर उस हाथ पे दूसरा हाथ रखकर कम से कम 70-80 बार जल्दी जल्दी थपथपाना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है पोलियो रोग के बचाव के लिए। नेक्स्ट है, एलिसा नामक परीक्षण किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? तो एड्स के बचाव के लिए, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट दोनों किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों, तो इसकी कमी से होता है घेंघा गलगंड, जिसे कहा जाता है, और यह थायराइड ग्रंथि की खराबी के कारण होता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्त्राव से। नेक्स्ट है, पित्तरस का क्या कार्य है? तो पित्तरस क्या करता है दोस्तों, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। यहाँ पे वसा का पाचन नहीं दिया है, तो भोजन को पाचन में सहायक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पित्तरस बनता कहाँ है? यकृत में बनता है, और वह इकट्ठा कहाँ रहता है? पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर में। कहाँ पे जाकर मिलता है भोजन में? छोटी आंत के पहले भाग डुओडेनम में, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखने में, यहाँ पे टाइपिंग में गलत हो गया है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट 98.6 फारेनहाइट आपका होता है, और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कैंसर की रोकथाम करने वाली नई दवा इंटरफेरॉन मनुष्य के किस भाग में बनती है? तो कैल्शियम की रोकथाम करने वाली दवा जो है इंटरफेरॉन, वह WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सामान्य स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा यानी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो 3000 कैलोरी की। नेक्स्ट है, अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो होता है पापी नामक पौधे यानी पोस्ता से प्राप्त किया जाता है, जिसे नार्कोटिक्स जैसे महान घातक दवा, जैसे कि नशीली पदार्थ, जिसे पेन किलर भी कहा जाता है, के रूप में दर्द निवारक प्रयोग किया जाता है, जिसको खा करके
शरीर में पूरा दर्द खत्म हो जाता है और मांसपेशी को मतलब ऐसा महसूस करा देता है कि आप कितना भी भार उठाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और पेशी टूट जाता है। तो नार्कोटिक्स यानी कि डोपिंग वाले वीडियो में इसके बारे में मैं डिटेल में बताई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, हृदय गति रुक जाए या दिल का दौरा पड़ जाए तो कार्डियक मसाज करना चाहिए, यानी कि हृदय के बाएं तरफ जो है हाथ रखकर दूसरे हाथ को भी उस हाथ पर रखकर 70-80 बार जल्दी जल्दी थपथपाना चाहिए, जिससे हृदय गति बरकरार रहती है। तब तक आप कहीं भी डॉक्टर के पास पहुंचा सकते हैं ऐसी जगह पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सीने को मलना चाहिए। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का क्या कार्य है? तो दोस्तों, एक त्वचा एक ज्ञान इंद्रिय का काम करता है, ठीक है, ये भी आपका सही है। त्वचा के द्वारा हमको ठंडा गर्म का पता चलता है और वस्तु मुलायम है कि कठोर है ये पता चलता है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये बताता है, तो एक ज्ञानेंद्रिय का काम करता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी पसीना निकलता है जिससे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण में रहता है, और ज्ञानेंद्रियों में रोगाणुओं के प्रवेश को रोककर उसकी रक्षा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा शरीर का उत्सर्जन अंग है? तो दोस्तों, ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, गुर्दे, फेफड़े, हृदय, उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों। तो गुर्दे और फेफड़े दोनों क्या है? उत्सर्जक अंग है। इसमें से मुख्य उत्सर्जक अंग है गुर्दा, यानी कि किडनी, जो रक्त को शुद्धिकरण करता है और मूत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन कार्य करता है? दोस्तों, तो विटामिन के। नेक्स्ट है, शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है? तो हृदय जो होता है वो पंप के रूप में काम करता है, जिसमें से हमारे शरीर से समस्त अशुद्ध रक्त को सिराएं जो है हमारे हृदय के दाएं अलिंद में इकट्ठा करती हैं और शुद्ध रक्त को महाधमनी हमारे समस्त अंगों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर शोधक का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? तो रुधिर शोधक यानी कि डायलिसिस यानी रक्त का शुद्धिकरण छानने का कार्य कहां पे किया जाता है? दोस्तों, तो ब्रिक यानी कि किडनी में किया जाता है। किडनी की ग्लोमेरुलस वुमेन सैंपोर्ट में इसका शुद्धिकरण होता है, छाना जाता है। नेक्स्ट, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। जो हमारे शरीर की अशुद्ध रुधिर होती है उसको हृदय तक, हृदय के दाएं नलिका में, हृदय में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? सिराओं के द्वारा, यानी वेन्स के द्वारा। नेक्स्ट है, हृदय से शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। तो जो हृदय से शुद्ध रुधिर रहता है उस रुधिर को समस्त शरीर तक पहुंचाने वाली नलिकाएं कौन होती है? धमनियां यानी आर्टरीज। नेक्स्ट है, रक्त में अनुमानतः कितना पानी होता है? तो दोस्तों, हमारे प्लाज्मा यानी रक्त में 90% जल होता है और 8-9% प्रोटीन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, समानता स्त्रियों के हृदय का भार कितना होता है? दोस्तों, स्त्रियों के हृदय का भार 250-300 ग्राम होता है। यहाँ पे हम आपका 300 ग्राम मान लेते हैं कि स्त्रियों के हृदय का भार होता है। नेक्स्ट है, समानता पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है? तो पुरुषों के हृदय का भार 300-350 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 325 ग्राम आप मान लीजिए, यानी कि स्त्रियों में 250-300 ग्राम और पुरुषों का 300-350 ग्राम हृदय का भार होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर द्वारा ग्रहित 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है, इसको आप चेक कीजिएगा किसी बुक में या कहीं से भी। तो यहाँ पे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हृदय, बट इसमें कंफ्यूजन है, करेक्ट आंसर हम इसका नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये तो आपको सब लोगों को पता है, 72 बार। बट जब हम अभ्यास करते हैं, कोई क्रिया करते हैं कठिन कार्य, उस समय हमारा हृदय धड़कन जो है बढ़कर 150-180 बीट प्रति मिनट हो जाता है। और जब ये अभ्यस्त हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाते हैं, तो अभ्यस्त होने के बाद आपका हृदय बड़ा हो जाता है, जिसे हम एथलीट हॉट कहते हैं। उस समय आपका हृदय 40-50 बार प्रति मिनट 1 मिनट में धड़कता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रशिक्षित खिलाड़ी का हृदय धड़कन पूछेगा 40-50 बार, और क्रिया करते समय, योग करते समय या एक्टिविटी करते समय तो 60 से
160 से 180 बार प्रति मिनट हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त में विद्यमान नहीं होता है? तो रक्त में प्लाज्मा भी आता है, लाल रक्त कणिकाएं भी आता है, श्वेत रक्त कणिकाएं भी आता है, तो ग्लाइकोजन नहीं होता है। ग्लाइकोजन हमारे यकृत में और पेशियों में विद्यमान होता है। नेक्स्ट है, रक्त को जमने में सहायता करती है, ऑप्शन है प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो दोस्तों जो हमारा रक्त को जमने में सहायता प्लेटलेट्स करती है, यहाँ प्लेटलेट्स ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग क्यों होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं में लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना होता है। और हीमोग्लोबिन करता क्या है, यह ऑक्सीजन को ग्रहण करके समस्त शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, जहां पे जाकर के जो ग्लूकोज का क्षरण होता है और ऊर्जा यानी एटीपी का निर्माण होता है, जिसे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है, अधूरा अवस्था में, यकृत में होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन ढोना। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों यह तो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी कि रोगों से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर होती है दोस्तों, यानी कि 22 फीट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनी नामक रस भोजन में विलय होते हैं, कहाँ पे? दोस्तों हमारे अमाशय में पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो कहाँ पे आके भोजन मिलते हैं, तो अमाशय में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है कि जो भोजन को होता है वो पीस देता है, यानी कि एक तेजाब जैसे एकदम गर्म चीज होता है, जलता हुआ पदार्थ है, और जो क्या करता है भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मार देता है। और रेनिन जो है दूध जैसे दूध को पाचन करने में सहायता होता करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में यानी लीवर में, और इसका स्टोर होता है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में, और यह वसा के पाचन में सहायक होता है। और छोटी आंत के पहले भाग डोरीने में जाकर के भोजन में मिलता है। नेक्स्ट है, यकृत का भार कितना होता है? यकृत का भार 1.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है। अगर वह प्रशिक्षित हो जाता है तो वह 8 से 10 बार सांस लेता है। नेक्स्ट, मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं यानी कॉर्निथल नाड़ी कितनी जोड़ी होती है? दोस्तों तो कॉर्निथल नाड़ी 12 जोड़ी होती है। जैसा कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? CNS, PNS, ANS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कॉर्निथल नाड़ी के यानी मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़े नाड़ियां और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 21 जोड़े नाड़ियां आती हैं। और जो आपकी ANS होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोमेटिक काम करता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। और इसके अंतर्गत सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक यानी अनुकंपी और पराअनुकंपी तंत्रिका आती है। इसके बारे में मैं डिटेल में तंत्रिका तंत्र वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह जल्दी जल्दी स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।